कहते हैं कि हम इंसानों के जीवन में आने वाली हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अब ये हम इंसानों पर निर्भर करता है कि हम उस समस्या से कुछ सीखना चाहते हैं या समस्या के डर से मैदान छोड़ देना चाहते हैं। दोस्तों, आज पूरा विश्व एक ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है जिसके बारे में आप और हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। मैं बात कर रही हूँ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल माधव मंथन में। दोस्तों, आज हमारे पास जबकि घर में बैठे हैं और करने बाहर जाने के लिए या बाहर के काम करने के लिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना आज हम चिंतन और मंथन करें इस विषय पर कि क्या ये बीमारी हमें कुछ मैसेज दे रही है, क्या इस बीमारी के चलते घर में बैठकर हम चिंतन और मंथन से ऐसी कुछ चीजें इस बीमारी से सीख सकते हैं। क्योंकि एक महामारी है, क्योंकि एक समस्या है, हम इससे डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, दहशत में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक और चीज है जो आप इस बीमारी से कर सकते हैं और वो है कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसे ही विषय पर मैं आपसे एक चर्चा करने आई हूँ। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये बीमारी हमें सिखा रही है? ये बीमारी हमें सबसे पहला जो मैसेज दे रही है, सबसे पहली जो सीख दे रही है, वो यह है कि हम हिंदू, हम भारतवासी जो अक्सर अपने धर्म की उपेक्षा करते हैं, अक्सर अपनी संस्कृति और संस्कार की उपेक्षा करते हैं, जो अक्सर शर्म महसूस करते हैं अपनी संस्कृति और संस्कारों को बाहर लाने में या उनको मानने में या लोगों के सामने उनको पेश करने में, आज ये बीमारी हमें सबसे बड़ा मैसेज दे रही है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता अन्य देशों की संस्कृति और सभ्यता की तुलना में कितनी वैज्ञानिक है। उसके दिए हुए संस्कार, उसके दिए हुए नियम और कानून सभी वैज्ञानिक कसौटियों पर खरे उतरते हैं। चाहे वो नमस्कार करने की संस्कृति हो, या तो पैर धोने की संस्कृति हो, हाथ धोने की संस्कृति हो, क्वारंटाइन की संस्कृति हो, हर चीज का मैसेज हमारी संस्कृति और सभ्यता में हजारों साल पहले से दिया जा रहा है। दोस्तों, हम भारतीय चूंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारे लिए मायने नहीं रखती, उससे पूरा विश्व सीख रहा है, पूरे विश्व ने सीख लिया। विश्व के ऐसे देश जो पूरे विश्व को लीड किया करते थे, आज वो सब हमारी संस्कृति और सभ्यता से सीख रहे हैं। तो ये वक्त है चिंतन और मंथन करने का कि जिस संस्कृति और सभ्यता ने संपूर्ण विश्व को सिखाया है, उसको हमने क्यों उपेक्षित किया, हमने क्यों नहीं सीखा उससे। इसलिए नहीं सीखा क्योंकि हम संपूर्ण विश्व के पश्चिमीकरण के प्रभाव में इतने ज्यादा अंधे हो गए कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो कितनी वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिकता के धरातल पर कितनी ज्यादा खरी उतरती है। लेकिन दोस्तों, ये वक्त है, 21 दिन के समय में आप सोचिए और चिंतन कीजिए और मानिए और जानिए और गहराइयों में जाइए अपनी संस्कृति और सभ्यता के, और जानने की कोशिश कीजिए ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता ने हमें शुरू से सिखाए हैं, लेकिन हम हैं कि उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन चूंकि आज चाहे वो पश्चिमीकरण हो, चाहे वो विश्व के दूसरे देश हो, वो सब जब हमारी संस्कृति और सभ्यता के सामने सिर झुका रहे हैं, तब हमें ये महसूस हो रहा है कि अरे ये सब तो हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हमने कभी इन्हें मानने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, ये वक्त है चिंतन और मंथन का, ये वक्त है अपनी संस्कृति और सभ्यता के गहन चिंतन का, गहन अध्ययन का। अध्ययन कीजिए और खोजिए उन संस्कारों को, खोजिए उन फैक्ट को जो हमारी संस्कृति की विरासत के रूप में हमें मिले थे, लेकिन हमने उन्हें सदैव उपेक्षित किया। दोस्तों, कोरोना नाम की महामारी संसार को जो दूसरा मैसेज दे रही है वो है प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का दुरुपयोग ना करो, प्रकृति को प्रेम करो, प्रकृति के बनाए हुए जीव जंतु, पेड़ पशु पक्षी सबसे प्रेम करो। दोस्तों, पागलपन की दौड़ में हम मानव ऐसे दौड़े कि उन्होंने प्रकृति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कुछ देशों में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि छोटे छोटे निरीह प्राणियों को बिना काटे, बिना उबाले जिंदा खाने की प्रकृति शुरू कर दी। अरे, हम इंसानों ने अपने आप को इतना कब गिराया हमें पता ही नहीं चला। आज आप सोचिए, आपके सर पर जब मौत की दहशत है, हम इंसानों के सर पर जब हर तरफ से मौत की दहशत मंडरा रही है, हमें कितना डर लगता है। आप सोचिए उन जानवरों के बारे में जिन्हें पता है कि अगले कुछ ही पलों में मुझे कट के मर जाना है, उनके अंदर कितना डर होता होगा। हम
मानव अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपने आप को कुछ पलों के लिए खुशी देने के लिए या अपनी अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए हम उन निरीह प्राणियों को काट काट कर खाते हैं। सोचिए वो लोग जो मांसाहारी हैं, उन्हें क्या हक है उन निरीह प्राणियों के साथ इतनी ज़्यादा अमानवीयता करने का। दोस्तों, ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति आपको मैसेज दे रही है कि जब तक आप मानव अपने आप को महामानव बनाने की दौड़ को नहीं रोकोगे, आप स्वयं को महामानव मानना बंद नहीं करोगे, आप जब तक प्रकृति को प्रेम नहीं करोगे, तब तक आपको प्रकृति ऐसे ही सजा देगी। आपके सामने प्रकृति के प्रकोप ऐसे ही बरसाए जाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर 100 साल में प्रकृति ने ऐसे ही प्रकोप बरसाया है, क्योंकि वो आवश्यक हो जाता है इंसान को इंसान की लिमिट में रखने के लिए। क्योंकि हम इंसान जब जब हमारे हाथ में शक्तियां आती हैं, हम संपूर्ण विश्व को, प्रकृति को, वातावरण को, वायुमंडल को अपना अपने हाथ का बनाया हुआ सामान, अपने हाथ का बनाया हुआ खिलौना समझने की कोशिश करने लगते हैं। उस वक्त ये आवश्यकता हो जाती है कि स्वयं प्रकृति आपको मैसेज देती है कि आप अपनी सीमाओं में रहिए। जानवरों को, पेड़ों को, जीव जंतुओं को, सबको जीवित रहने का हक है, सबको खुश रहने का हक है। आप इंसानों को कोई हक नहीं बनता कि आप हर चीज के ऊपर अपना अधिकार जताएं, हर चीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करें और अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों का गला घोंट दें। आप सीखिए और चिंतन कीजिए आज घर में बैठकर कि हम इंसानों ने प्रकृति के ऊपर कितना ज्यादा अमानवीय बर्ताव किया, और ये वही अमानवीय बर्ताव का प्रकोप आज हम इंसान झेल रहे हैं। दोस्तों, तीसरा मैसेज जो ये महामारी हमें दे रही है वो है हद से ज्यादा पैसा और साधनों का संचय। दोस्तों, हम इंसान कितनी बार न जाने कितने गलत तरीके, न जाने कितने गलत साधनों का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए, बहुत ज्यादा सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए, बहुत ज्यादा साधन इकट्ठा करने के लिए। आज आपके पास अगर 4 गाड़ियां भी हैं, आप उनमें से किसी एक का भी प्रयोग नहीं कर सकते। आज आपके बैंक में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया भी है, आप उससे अपने लिए एक सांस भी नहीं खरीद पाएंगे। आज आपके जीवन में न जाने कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको घर के अंदर ही कैद रहना है। दोस्तों, ये महामारी, ये प्रकोप हमें सिखा रहा है कि अति से ज्यादा पैसा, सुविधाएं और साधन भी हमें वो नहीं दे सकते जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है हमारी सांसें, वो है हमारा जीवन। न जाने कितने लोगों का हम शोषण कर बैठते हैं, न जाने कितनों की बददुआएं हम लेते हैं, पैसा कमाने की होड़ में न जाने कितने गलत तरीके हम लोग अपना लेते हैं। आप देखिए विश्व के दूसरे देशों को, इटली, चीन, अमेरिका जैसे देश जो विश्व की महाशक्ति कहे जाते हैं, आज वो देश अपने नागरिकों को सांस नहीं दे सकते, आज वो देश अपने नागरिकों को इलाज नहीं दे सकते। हर एक नागरिक के बैंक में न जाने कितना पैसा भरा पड़ा होगा, लेकिन उन देशों के पास आज साधन होते हुए भी वो उनका जीवन नहीं बचा पाए। कैसी बेबसी है आज ये, आप देखिए और समझिए और सीखिए। हम इंसान क्यों एक दूसरे को इतना शोषित कर देते हैं, इतना कष्ट दे देते हैं अपने आप को सुखी करने के लिए और ज्यादा साधनों की, और ज्यादा पैसे की संचय करने में। दोस्तों, ये वक्त है अपने आप को चिंतन और मंथन करने का कि हम हमारे लिए जितना जरूरी हो उतने ही साधन, उतनी ही सुविधाएं, उतना ही धन रखें। क्यों ना समाज के उस तबके को जिसको साधनों की और सुविधाओं की, पैसों की जरूरत है, जिनके पास जीवन जीने के लिए उपयोगी साधन तक नहीं है, क्यों ना हम उन लोगों को साथ लेकर चलें, थोड़ी सी मदद उनकी भी करें, अपने पास जितना है उसमें से थोड़ा सा ही सही उन लोगों तक भी पहुंचाएं, उन लोगों को भी बांटें, उन लोगों के साथ मिलकर खुश होना सीखें। ये वक्त हमें सिखा रहा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ना तो हम बाहर जाकर खुलकर जी सकते हैं, ना इंजॉय कर सकते हैं, ना हम अपनी दी हुई, अपनी संचित की हुई सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो क्यों ना हम उन सुविधाओं को, उन साधनों को उस हद तक ही संचय करें ताकि हमारे से बचा हुआ साधन और सुविधाएं दूसरों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, चौथा मैसेज जो ये महामारी हमें सिखा रही है वो है खुद के साथ जीना, परिवार के साथ जीना, घर से प्रेम करना, घर के खाने से प्रेम करना, घर के अंदर की सुख सुविधाओं से प्रेम करना। दोस्तों, हम इंसानों ने एक अजीब सी होड़ मचाई थी,
घर से बाहर भागना, होटलों में रहना, रेस्टोरेंट्स में खाना, अपने बाहर के दोस्तों को ज्यादा समय देना, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को कम समय देना या उनको उपेक्षित कर देना, ये महामारी हमें संकेत दे रही है कि आप पूरी दुनिया में घूम आइए, बड़े से बड़े होटल में रह लीजिए, बड़े से बड़े देशों में घूम लीजिए, आप रेस्टोरेंट्स में कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आप बाहर के दोस्तों के साथ कितने भी ऐशो आराम उड़ा लीजिए, लेकिन आपका जो सबसे सुरक्षित स्थान है, जो सबसे प्रिय स्थान है और वो स्थान जो आपके लिए स्थिरता लाता है, आपके जीवन को स्थिरता देता है, वो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। हमने कब कब अपने परिवार के साथ बैठकर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जो अक्सर हम बाहर अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस महामारी ने हमें सिखाया कि आप बाहर झांकना बंद कीजिए, अपने आप के अंदर झांकना शुरू कीजिए, अपने परिवार से प्रेम करना शुरू कीजिए, आप अपने आप से प्रेम करना शुरू कीजिए, आपके घर के अंदर लोगों के साथ बैठकर हंसना बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब आप पूरी दुनिया से थक हार कर लौटते हैं तो ये घर ही होता है जो आपको सुकून देता है, घर के सदस्य ही होते हैं जो आपके दुखते हुए दिल पर हाथ रखते हैं, मरहम लगाते हैं। फिर क्यों हम उन्हीं सदस्यों को पेची कर देते हैं, क्यों हम अपने घर के खाने को सबसे अंतिम स्थान पर रखते हैं और बाहर के खाने की लालसा हर वक्त हमारे मन में रहती है। आज ये मैसेज हमें ये बीमारी दे रही है कि आप अपने घर के सदस्यों के साथ सबसे अच्छा समय बिताइए, अपने साथ समय बिताइए, आप अपने घर के खाने को सबसे सुरक्षित और सबसे स्वादिष्ट खाना बनाइए, मानिए, क्योंकि वो मानना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। बहुत दुख होता है जब लोगों के ट्वीट देखते हैं जो कहते हैं कि हम 21 दिन घर में कैसे बंद रहेंगे, हमें घर में नर्क जैसा जीवन झेलना पड़ेगा। ये वही घर है जो पूरे विश्व ने जब आपको ठुकराया है, इसी घर ने आपको शरण दी है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जहां होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, ये घर का खाना ही आपके जीवन को आज चला रहा है। आप कैसे ये शब्द बोल सकते हैं अपने घर के लिए? शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में भी सोचकर। घर दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे प्यारा स्थान है, उसकी कीमत समझिए, उससे प्यार कीजिए, घर के सदस्यों से प्यार कीजिए, घर के बुजुर्ग और बच्चों के साथ समय बिताइए, क्योंकि पूरी दुनिया जब आपको थक हार कर लौटाएगी तब वो घर ही होगा जो आपको सबसे प्यारी शरण देगा। दोस्तों, पांचवां संदेश जो ये महामारी हमें दे रही है वो है, मानव हो मानवता ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, मानव हैं आप, आपके साथ मानवता जुड़ी हुई है। हम और आप अपने स्वार्थों में इतने अंधे हो गए कि हमने मानवता को भुला दिया। दोस्तों, इस बीमारी ने हमें फिर से सिखाया है कि मानव हैं, अपनी मानवता कायम रखिए। आपको यहाँ धरती पर इंसान बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा गया था कि आप खुद के लिए ही जीते रहिए। आज आप उदाहरण देखिए, समाज में हम न जाने कितने हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हैं। सरकार ने हमें घर बिठाया है, सुरक्षा के लिए घर बिठाया है, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जो आज भी अपने घर में नहीं है, जो उस बीमारी के बीच में योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर लड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, और भी न जाने कितने ऐसे क्षेत्र होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो आज भी अपना काम निरंतर कर रहे हैं हमारी सुविधा के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। क्या उनके घरों में परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे उनका इंतजार नहीं करेंगे? दोस्तों, समझिए और महसूस कीजिए, अगर वो भी अपने लिए जीने लगे तो आज हमें बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भगवान बनकर वो सड़कों पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए, हमारे पास भी कभी ना कभी जीवन में ऐसा मौका आता होगा जब हम खुद से ऊपर उठकर दुनिया के लिए काम करें, लेकिन हम उस मौके को अक्सर भूल जाते हैं, उसे कई बार ठुकरा देते हैं या तो कई बार इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, हमें उन मौकों को इग्नोर नहीं करना है। जैसे आज वो मानवता के पुजारी हमारे लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही जब जब हमें मौका मिलेगा हम भी अपनी मानवता दिखाएंगे, हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे। आज की डेट में भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ करने के लिए है जिससे हम समाज में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो हम क्यों ना दें? ये धर्म है हमारा मानवता के नाते। दोस्तों, आज यही मैसेज ये लोग हमें दे रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, वो समाज को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस महामारी से लड़ने के यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहा है। तो हम इंसान भी
ये बीमारी से एक मैसेज सीखें कि हम खुद से ऊपर उठकर जीना सीखें, हम दूसरों के लिए जीना सीखें, हम सबके लिए जीना सीखें, मानवता के लिए जीना सीखें, क्योंकि ये जरूरी है, ये हमारा धर्म है। जब जब भी हम भूलते हैं प्रकृति हमें सिखाती है। इसलिए दोस्तों स्वयं से ऊपर उठकर जीना सीखिए, स्वयं से ऊपर उठकर सोचना सीखिए। और ये वक्त है हम सबके लिए चिंतन करने का, मंथन करने का कि क्या क्या ऐसा हमसे हुआ, वो कौन सी गलतियां हमने की जिसके लिए आज ये पूरा विश्व प्रकृति का प्रकोप झेल रहा है। क्यों ना हम उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं, हम क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो गलतियों को अपने जीवन में से डिलीट का बटन दबा के खत्म ही कर दें। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ चिंतन और मंथन कीजिए। 21 दिन के इस समय को सिर्फ हंसने खेलने में या गेम खेलने में या सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों से गपशप करने में ही बर्बाद ना कीजिए। चिंतन और मंथन कीजिए, सोचिए हम मानवता की बेहतरी के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। लोगों से सीखिए, समाज से सीखिए, प्रकृति से सीखिए, अपने दिए हुए संस्कारों से सीखिए, अपने धर्म से सीखिए, अपनी संस्कृति से सीखिए। आप भी सीखें, हम भी सीखें और 21 दिन के बाद एक नए रूप में ये मानव का अवतार हो, एक नए रूप में इस पृथ्वी पर हर मानव अपने जीवन में हुई गलतियों को डिलीट करके एक बार फिर मानव बनकर दिखाए। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रार्थना है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक और शेयर के साथ मेरा उत्साह वर्धन कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। एक बार फिर मेरी कही हुई बातों का चिंतन और मंथन अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।